राजधानी शिमला से बड़ी जानकारी, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी खत्म हो चुकी है। राज्य सचिवालय में बैठक हुई है। वाटर सेस को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया। ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में गठन किया गया है। बिजली उत्पादों के साथ सेस को लेकर नेगोशिएशन करेगी कमेटी और जेल विभाग में पद भरने को भी मंजूरी मिली। तो मैं आपको बता दें कि जेल विभाग में पद भरने को मंजूरी दी गई है। वाटर सेस को लेकर कमेटी का गठन, ये बड़ी जानकारी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और वाटर सेस को लेकर कमेटी का गठन किया गया। ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में बैठक का ये जो प्रस्ताव है वो रखा गया। आपको बता दें कि ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में गठन किया गया है इस कमेटी का। बिजली उत्पादों के साथ सेस को लेकर नेगोशिएशन ये कमेटी करेगी, जिसका गठन किया गया है। जेल विभाग में भी पद भरे जाएंगे, इसे लेकर भी जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। वाटर सेस को लेकर कमेटी का जो गठन है किया गया है। कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा भी हुई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो देखने को मिली। अहम कैबिनेट की बैठक रही और तमाम कैबिनेट मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद भी रहे। वाटर सेस को लेकर कमेटी का गठन किया गया है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राज्य सचिवालय में बैठक हुई, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक का समापन हुआ है। तो वहीं अब जेल विभाग में पद भरने को लेकर मंजूरी भी दी गई है। अब कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव से पहले जो गारंटियां दी गई थी, एक के बाद एक तरीके से अब कांग्रेस उन गारंटियों की तरफ कदम दर कदम बढ़ाती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में अब जेल विभाग में जो पद हैं वो भरे जाएंगे। एक तरीके से रोजगार जो है वो दिया जाएगा। अब कांग्रेस सरकार लगातार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने को लेकर भी लगातार काम करती नजर आ रही है। जिस तरीके से, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए हिमाचल प्रदेश में और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो गारंटियां दी गई थी वो लगातार पूरी की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। या तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुए हैं या मतलब बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोशिश की है और ये देखिए टोटल कॉस्ट इज राउंड अबाउट 31,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के भी हैं, पावर के प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो हमारी ये कोशिश है मुख्यमंत्री जी की कि भाई वो कहाँ कहाँ स्टॉल हो रहे हैं, NOCs कहाँ नहीं मिले, किस उस पर नहीं मिले हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने जिसको कि दो दिन रखे तो हम ये कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, जो हमारा इन्वेस्टर है उसको कहाँ दिक्कत आ रही है और उन हर्डल्स को गवर्नमेंट जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रही है और ये इनके जो काम है वो तेज़ी से हो। क्योंकि पूर्व की भाजपा सरकार के समय में भी इन्होंने इन्वेस्टर मीट्स में इन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए, जो कि ज़मीन पे नहीं आए हैं, उसमें से केवल 27,000 करोड़ रुपए के आए हैं। तो हमारी कोशिश है कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए तो हमारी प्राथमिकता है ही है, मगर पुराने प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लटके हैं उसको क्लियर करने के लिए जो 2 दिन की कन्वेंशन कह सकते हैं आप, ये मीट कह सकते हैं, उसको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू। वाटर सेस को लेकर कमेटी का गठन किया गया है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बिजली उत्पादों के साथ साथ सेस को लेकर नेगोशिएशन भी, ये बैठक जो है इस बैठक में इस कमेटी का जो गठन किया गया वो कमेटी नेगोशिएशन करेगी। वाटर सेस को लेकर कमेटी का गठन हुआ है, बड़ी जानकारी इस बैठक के बाद सामने आई है। ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में गठन किया गया इस कमेटी का, ये अहम जो है बैठक रही, क्योंकि प्रदेश के महत्वपूर्ण एजेंडों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन सबसे मेन जानकारी निकल कर इस बैठक के बाद सामने आई कि हिमाचल मंत्रिमंडल की इस बैठक में राज्य सचिवालय में जो बैठक हुई है वाटर सेस को लेकर, इसमें कमेटी का गठन किया गया है। ये जो कमेटी है ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, इसका गठन ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में किया गया। बिजली उत्पादों के साथ साथ सेस को लेकर ये कमेटी नेगोशिएशन भी करेगी। इसके कई मायने भविष्य को लेकर भी देखे जा रहे हैं। अब कांग्रेस लगातार जितनी भी बैठकें कर रही है, कैबिनेट की जितनी भी बैठकें हो रही हैं वो इसी कड़ी में बैठकें हो रही, ताकि जो जो गारंटियां दी गई थी, जो जो जनता के हित में है, जल्द से जल्द उन्हें धरातल पर उतारा जाए। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की सीधी नज़र है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें, इस पर नज़र बनाते हुए कांग्रेस बैठक दर बैठक लगातार कदम आगे बढ़ा रही है, ताकि जनता को भी अपने साथ जोड़ा जा सके।